इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक कॉन्सेप्ट परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का। बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि परमुटेशंस का मतलब क्या होता है और कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है। काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है परमुटेशंस कहाँ पे अप्लाई करने और कॉम्बिनेशन कहाँ पे अप्लाई करने और इनमें डिफरेंस क्या होते हैं। सबसे पहले परमुटेशन की अगर बात करें, परमुटेशन का मतलब होता है, अगर हमें वन वर्ड में समझना हो, इसका मतलब होगा अरेंजमेंट। अगर आपके पास टोटल n ऑब्जेक्ट्स गिवन है और आपको कोई r ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स अरेंज करनी है, देन वी यूज परमुटेशन। नोटेशन इसकी होती है n pr इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। अगर हम एग्जांपल कंसीडर करें कि आपके पास तीन नंबर्स है, लाइक 1, 2, 3, हमें इसे नंबर ऑफ डिफरेंट वे से, कितने डिफरेंट वे से अरेंज कर सकते हैं तीनों नंबर्स को। हम इसे लिख सकते हैं 1, 3, 2, हम लिख सकते हैं 2, 1, 3, देन 2, 3, 1, 3, 1, 2 एंड द लास्ट पॉसिबिलिटी इज 3, 2, 1। ये जो नंबर था आपके पास 1, 2, 3, इसको जो डिफरेंट वे से हम अरेंज कर सकते हैं वो ये सिक्स वेज है। छह तरीकों से हम इसे अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने थे, तीन। हमने सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स ले लिए थे, तीनों को अरेंज करना था हमने, ठीक है। तो अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें तो 3p3 दैट इज 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 3 फैक्टोरियल, दैट इज 3 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, दैट इज 6। और हमारे पास ये भी कितनी आई, 6 अरेंजमेंट्स आई। कितनी अरेंजमेंट्स आ गई, 6 अरेंजमेंट्स आ गई है हमारे पास, राइट। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन के केस में क्या होगा, कॉम्बिनेशन का मतलब होगा सेलेक्शन। अगर आपके पास इसे, इसकी नोटेशन होगी एन सी आर, दैट इज एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। इसका मतलब होगा सेलेक्शन, सेलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स टेकन आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। अगर आपके पास तीन नंबर्स है कोई भी, लाइक 1, 2, 3, थ्री नंबर्स है, आपको तीनों नंबर्स को सेलेक्ट करना है, तो एक ही तरीका होगा। तीन नंबर्स गिवन है, तीनों नंबर्स को सेलेक्ट करना है, तो आपके पास एक ही तरीका होगा। सेकेंड थिंग, अगर तीन नंबर गिवन है आपके पास, कोई दो नंबर्स को सेलेक्ट करना है, यू हैव टू सेलेक्ट एनी टू नंबर्स आउट ऑफ थ्री नंबर्स, लाइक 1, 2, 3 ये गिवन है। सेलेक्शन में ये हो सकता है कि 1, 2 को सेलेक्ट कर लिया, या 2, 3 को सेलेक्ट कर लिया, या 1, 3 को सेलेक्ट कर लिया। इसके लिए एग्जाम्पल कंसिडर करो, मान लो कि आपके पास तीन बैट्समैन है, लाइक द्रविड़, सहवाग एंड विराट कोहली, राइट। सेलेक्ट करने हमें कोई भी दो प्लेयर्स को, या तो हम द्रविड़ और सहवाग को सेलेक्ट कर सकते हैं, या सहवाग और विराट को सेलेक्ट कर सकते हैं, या द्रविड़ और सहवाग को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये मैटर नहीं करेगा कि हमने द्रविड़ को पहले सेलेक्ट किया, सहवाग को बाद में सेलेक्ट किया। यहाँ पे मैटर सिर्फ ये कर रहा है कि हमने दोनों को सेलेक्ट किया, द्रविड़ और सहवाग को, सहवाग और विराट को, द्रविड़ और सहवाग को, राइट। इसका कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होगा कि सेलेक्शन करना, सेलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, राइट। अगर हम फॉर्मूला वाइज चले, हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है 3 और हमने दो ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करने हैं, दैट इज 3c2, दैट इज 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, सो इट विल बी 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। आपके पास आएगा 3 इंटू 2 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 3। तीन त्रिकों से आप सेलेक्ट कर सकते हो दो ऑब्जेक्ट्स को आउट ऑफ थ्री ऑब्जेक्ट्स। दो ऑब्जेक्ट्स को तीन ऑब्जेक्ट्स में से सेलेक्ट करने के तीन तरीके होंगे, राइट। और जबकि अगर हम परमुटेशंस की बात करें तो उसमें हम अरेंजमेंट करते हैं कि नंबर्स को कितने नंबर ऑफ वे से अरेंज कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि हमारे पास तीन नंबर से हमें कोई भी दो नंबर्स को अरेंज करने हैं, आर इक्वल टू टू, इन दैट केस हमारे पास फॉर्मूला लगेगा 3p2, दैट इज 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 6।
तो हम छह तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक डेफिनेशन थी परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन की। फाइनली परमोटेशन का मतलब आपके पास ये होता है कि अरेंजमेंट, अगर इसे एक वर्ड में याद रखना हो तो इसका मतलब होगा अरेंजमेंट। और अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन की तो कॉम्बिनेशन का मतलब होगा सेलेक्शन, सेलेक्शन। और अरेंजमेंट में आपके पास क्या होगा कि हमें अरेंजमेंट के केस में क्या होगा कि नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट कितने होंगे, एन पी आर, दैट इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। और कॉम्बिनेशन के केस में क्या होगा, एन सी आर विल बी इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। सो ये दोनों फॉर्मूलाज है आपके पास परमोटेशन के लिए और कॉम्बिनेशन के लिए।